मैं कौमुदी शुक्ला, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज से। आज आपके समक्ष आपका एक पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके ब्लॉक वन, फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसकी यूनिट वन है आपका, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट स्कोप एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मल एजेंसीज़ हैं, कुछ इनफॉर्मल एजेंसीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों, हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है वो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, उन सभी एस्पेक्ट्स पे वो हमारे लिए हमेशा जो है एक पॉजिटिव पहलू लेकर के आता है। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इसकी एटिमोलॉजिकल मीनिंग दे रखी है, जो एक शाब्दिक अर्थ है उसका। जो शिक्षा जो एक शब्द है वो एक संस्कृत धातु शिक्ष धातु से आया है, जिसमें अप्रत्यय लगा है, और शिक्ष धातु का मतलब है सीखना और सिखाना, और जब ये शिक्षा का रूप ले लेता है तो इसे कहते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। ये इंग्लिश में जब हम इसे एजुकेशन कहते हैं तो ये लैटिन वर्ड ई और ड्यूको से बना हुआ है, जिसको एडुकेटम के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि ये अंदर से कुछ इनर पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए कहा गया है, यानी कुछ अंदर ऐसी इनेट पावर्स हैं जिनको हम शिक्षा के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको हम बाहर और ज़्यादा नरिश करके, उसको और ज़्यादा जो है पॉलिश करके एक पॉजिटिव मैनकाइंड की तरफ लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर नीचे भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करना ही शिक्षा कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद में शिक्षा के कुछ व्यापक अर्थ भी हैं और कुछ उसके जो है नैरोअर मीनिंग्स भी हैं, कुछ वाइडर मीनिंग्स हैं और कुछ उसके नैरोअर मीनिंग्स हैं। यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा को इस हिसाब से देखा है विभिन्न दार्शनिकों ने कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से ले करके और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, टिल ग्रेव हमारे टॉम तक जाने तक जो है हम शिक्षा के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, और जो नैरोअर मीनिंग है वो सिर्फ इतना बताता है, जो स्कूली शिक्षा है उसके बारे में बताता है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन ले ले हम, या फिर जो है हम दिन पर दिन जो एक्सपीरियंस करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवनचर्य पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसका विकास होता है। और जब हम संकुचित अर्थ में शिक्षा को देखते हैं तो हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास को हम शिक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसके नैरोवर और वाइडर, फिर अब शिक्षा के हम विभिन्न अर्थों को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले शिक्षा का दार्शनिक अर्थ है, यानी फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें कहा गया है कि जो जैसे आपने वेस्टर्न फिलोसफीज़ में या फिर इंडियन फिलोसफीज़ में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडियन फिलोसफीज़ हैं वो कहती हैं कि जो अल्टीमेट लक्ष्य है तो वो हम शिक्षा के थ्रू ही अचीव कर सकते, चाहे आप वो मोक्ष कह लीजिए, जैसा कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कहा है सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। मुक्त किन चीज़ों से कर सकती है? बुराइयों से या फिर अज्ञानता से। तो इस तरीके के जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उन्होंने भी शिक्षा को, एजुकेशन को ही एट मोस्ट माना है, और उसी के थ्रू वो उसको एक ऐसा टूल माना है जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में जब हम समाज शास्त्रीय अर्थ पे आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम सामाजिकता सीखते हैं, हम समाज में कैसे हमें बिहेव करना है उन सब चीज़ों को सीखते हैं। उसके अलावा हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य को सीखते हैं, हम हमारे अंदर समाज जो भी गुण एक्सेप्ट करता है, जो भी उसके पॉलिसीज़ हैं कि कैसे आपको कोड ऑफ कंडक्ट रखना है, वो सारी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि बालक जब जन्म लेता है तो वो
पशुवत प्रवृत्ति का होता है, उसे सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन, उसका जो खुद का भूख है, ओरल ही वो चीज़ों को ग्रहण करता है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसका कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती, वो नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो जो है धीरे धीरे जब उसको हम उसकी माँ बताती है कि कैसे बिहेव करना है, लोगों के सामने कैसे आपको प्रेजेंट करना है, तब जा करके वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक टूल को समझता है कि कैसे समाज में रहना है। तो वही उस पशुवत प्रवृत्ति से फिर उसका जो एक बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन होता है, वो सब करने का काम सिर्फ शिक्षा ही करती है, चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हो या फिर फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि शुरुआत में जो बच्चा है वो इनफॉर्मल ही चीज़ों को सीखता है, क्योंकि घर में ही उसके मम्मी पापा, उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो उसको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और बाद में जब वो फॉर्मल तरीके से स्कूल में जाता है, तो स्कूल में वो उसके जो टीचर्स हैं उनके थ्रू वो सारे ज्ञान का अभिसंचन करता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि शिक्षा का जो सामाजिक अर्थ, समाजशास्त्रीय अर्थ है, उसमें बताया गया है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है और ये समाजीकरण का सशक्त साधन है। जैसा आपने सुना होगा, जॉन डीवी जी जो बहुत ही बड़े एक एमिनेंट पर्सनालिटी थे, उन्होंने भी कहा है जैसे शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सामाजिक विकास के लिए आपके जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसा जॉन डीवी जी ने कहा है और सही भी कहा है, क्योंकि सामाजिकरण की जो व्यवस्था है उसको हम शिक्षा के थ्रू ही सीख सकते हैं। तो ये आप समाजशास्त्रीय अर्थ हो गया। फिर उसके बाद में हम आते हैं शिक्षा का जो राजनीतिक अर्थ है, यानी क्योंकि समाज से ऊपर राष्ट्र है, ठीक है, एक राष्ट्र की भावना कि हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है। पहले जब बच्चा छोटा है तो आप खुद भी समझ सकते हो कि वो इतना नहीं समझता कि उसको क्या सही है, उसके लिए उसको राष्ट्र के लिए कोई अवेयरनेस नहीं होती, उसका कोई नेशन भी है। हम लोग ही बहुत कम, बहुत ज़्यादा समय के बाद ही समझे होंगे कि हमारी क्या है राजधानी, क्या है ये, क्या है वो, क्या है। तो इस तरीके से क्या है कि चीज़ों को जब वो धीरे धीरे उसके जो टीचर्स हैं वो जब उसको बताते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करते हैं, तब उसके अंदर एक नेशनल प्राइड की भावना आती है। तब वो समझता है कि सिटीजनशिप क्या होती है, नेशनैलिटी क्या है। तो उन सब चीज़ों का भी जो एक विकास है वो हम एजुकेशन के थ्रू ही करा सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण का साधन कहा गया है शिक्षा को, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जितने भी जो बाहर के जो नेशंस हैं वहाँ पर एजुकेशन को एट मोस्ट रखा जाता है। शायद इसी वजह से वहाँ का जो एक एजुकेशन का जो आप लेवल देख सकते हैं या आपके भारत में जो लेवल देख सकते हैं उनमें इतना अंतर है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर उसमें श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण बनाना भी संभव करा जा सकता है। एक श्रेष्ठ नागरिक भी तभी बनाया जा सकता है जब बच्चा एजुकेटेड हो। उसके बाद में है कि शिक्षा से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्र प्रेम की भावना को जो है व्यक्ति के अंदर उसको जो है अभिसिंचित करे, क्योंकि है क्या कि हम जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि बहुत सारे राष्ट्र प्रतीक हैं, ठीक है, हम उनको, आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हम 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन हम इन सब चीज़ों को मनाते हैं। उन सब चीज़ों को मनाने के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो यही है कि हम अपनी जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भी राष्ट्रीय चिन्ह है, हम अपनी राष्ट्र की जो भावना है उसको अपने अंदर इनकलकेट कर सकें। तो ये है। फिर उसके बाद में शिक्षा का कुछ मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ में कहा गया है कि एक जो मनुष्य है वो एक मनोशारीरिक प्राणी है जिसके अंदर जन्म से ही कुछ ऐसी शक्तियाँ इनबिल्ट हैं जिनको बाहर निकालने के लिए ही विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे आपने सुना भी होगा जेबी वॉटसन का नाम, जो बहुत बड़े बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने भी कहा है कि बच्चा जो है हमेशा जन्म से ही उसके अंदर बहुत सारी इनर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, आप बस वो लेके आइए और मैं जो है इन्वायरमेंट उस टाइप का दे करके मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक जो है साइकोलॉजिस्ट ये बात बोल रहा है कि बच्चा आप मुझे कोई भी दे दीजिए, उसके अंदर इतनी इनर कैपेबिलिटीज़ है कि मैं उसको उस टाइप का कोई भी इन्वायरमेंट, चाहे आप उसको नेगेटिव इन्वायरमेंट दीजिए, भाई एजुकेशन है तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट देंगे, लेकिन वहीं अगर एजुकेशन नहीं है तो शायद आप उसको उतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट ना दे करके हो सकता है नकारात्मक इन्वायरमेंट दें और वो क्या से क्या बन जाए। तो वो सारी बातें भी वॉटसन ने कही हैं, तो उनको भी आप समझ सकते हो कि क्या क्या साइकोलॉजिकल जो अर्थ है उसमें जो है यही कहा गया है कि ये जो भी इनर कैपेबिलिटीज़ हैं उसको नरिश करना, चाहे उसका जो इंटरेस्ट है, चाहे जो मोटिवेशन लेवल है, एप्टीट्यूड है,
उन सबको जो है ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दे करके हम शिक्षा के थ्रू ही उसको एक अच्छा प्राणी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है एजुकेशन के कुछ स्कोप है, जैसे वो शिक्षा आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो वो दर्शन में हम यूज़ करते हैं उसको। शिक्षा दर्शन में हम शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि पर बातें करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि शिक्षा जो जो ये दर्शन है वो हमारे जीवन के दृष्टिकोण को सेट करता है। हम कैसा विजन रखते हैं, हम कैसा एजुकेशन को किस पैराडाइम में देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण कि हमें किस तरीके के उसके उद्देश्य फ्रेम करने हैं, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो हम शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। फिर उसके बाद में जो शिक्षा का समाजशास्त्रीय, शैक्षिक समाजशास्त्र में जो इसका स्कोप देखा जाता है वो ये है कि जो है आप मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके अंदर जो भी सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं, समाज में ही क्योंकि उसे रहना है, वो समाज से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, तो हम इसमें समाज में जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी समाज के जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताता है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी होते हैं जिनके जिनको जो है जिनके थ्रू ही हमें बिहेव करना होता है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये पुलिस स्टेशन हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके, तो यहाँ पर क्या है सारी की सारी जो भी सामाजिक संरचना है उसकी हम चर्चा करते हैं और उसी के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि हमें समाज में किस टाइप का पॉलिसी मेकर्स हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं, उनकी तरह किस तरीके से हमें बिहेव करना है, वो सारा हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सीखते हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान आता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्योंकि इस समय हम चाइल्ड जो NEP 2020 है उसमें चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात कही गई है, वहाँ पर ये खास तौर पर देखा जाता है कि चाइल्ड को ही सेंटर में रख करके हम एजुकेशन की बातें करें, तो चाइल्ड को सेंटर में रखना यानी उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके उसके साइको सोशल इश्यूज़ क्या हैं, उसके साथ क्या उसका मोटिवेशन लेवल है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, तो उन सब चीज़ों की बात करके, जो भी उसकी साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट है उनको हम ध्यान में रख करके फिर हम पूरे की पूरी प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लानिंग है या फिर जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हमें फॉलो करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हमें पता हो कि स्टूडेंट हमारा क्या चाहता है, उसका क्या वे ऑफ लर्निंग है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं वो हम अपने शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में है शिक्षा का इतिहास, क्योंकि हिस्ट्री ही हमें प्रेजेंट में रहने का एक बताती है, वे बताती है कि कैसी पुरानी, जैसे गुरुकुल पद्धति के बारे में हम बात हम समझते हैं, हमने टीवी में या कहीं भी हमने पढ़ रखा है, देख रखा है कि कैसे जो है गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम के बाद में फिर कैसे कैसे हम धीरे धीरे जो है यहाँ यूनिवर्सिटी और इस तरीके से पढ़ाई करना हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ पर क्या उस टाइम पर कैसे टीचर्स इंटरैक्ट करते थे, उसके बाद में कैसे इंटरेक्शन हुआ, आज के समय में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, फिर वहाँ पर जो इंटरेक्शन का लेवल था वहाँ पर क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है, जो मान लीजिए रोट लर्निंग फॉलो होती थी तो रोट लर्निंग के क्या क्या नुकसान है, वो आज के सिस्टम में क्यों नहीं फॉलो की जा सकती, एक्सपेरिमेंटेशन पे हम क्यों आ गए, तो इस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो जो नई टीचिंग स्किल्स का जो एक यूज़ होता है उस सब चीज़ों के बारे में हम यहीं से पता कर सकते हैं कि पहले क्या चल रहा था, हिस्ट्री में क्या चल रहा था और हम प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से अब हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे के उसका जो नॉलेज है उसको हम कैसे भर सकते हैं, इस तरीके की बातों को हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर तुलनात्मक शिक्षा की बात कही जाती है, तुलनात्मक शिक्षा में बेसिकली जो है हम राष्ट्र डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर टीम टीचिंग चल रही है, वहाँ पर पीयर ट्यूटरिंग के क्या क्या नए नए पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट जो एक नेशन से दूसरे नेशन में हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कैसे हम वहाँ पर जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं उसको हम कैसे ले सकते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों को एक और बेहतर जो है चीज़ों को, बेहतर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, हम इस तरीके से इस तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में जो डिफरेंट एजेंसीज हैं
जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, अब उसके बाद में हमें जो एजेंसीज हैं एजुकेशन की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एजेंसीज को साधन भी कहते हैं, उसके साथ ही साथ अभिकरण भी कहते हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ साधनों द्वारा, कुछ संस्थाओं द्वारा, या कुछ भी ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से जिन भी साधन के द्वारा हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उसे ही शिक्षा का अभिकरण या फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ औपचारिक साधन हैं, कुछ औपचारिक अभिकरण हैं, कुछ अनौपचारिक अभिकरण हैं और कुछ निरौपचारिक अभिकरण हैं। तो औपचारिक साधन में तो जैसे आपका स्कूल है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक डेफिनेट पैराडाइम को हम फॉलो करते हैं, डेफिनेट टाइम है, उसी टाइम पर हमारी क्लासेस होती हैं, डेफिनेट टीचर है जो हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, इस तरीके से एक डेफिनेट टीचर है जो हमारी नॉलेज की क्वेरीज को कैटर करता है। उसके बाद में डेफिनेट एक एनवायरनमेंट है, एक प्लेस है, हमारा एक क्लास है जहाँ पर हम जाकर के बैठते हैं और उसके बाद में फिर जो भी ज्ञान की तृष्णा है उसको तृप्त करते हैं। तो इस तरीके से जो औपचारिक साधन है वहाँ पर तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि स्कूल हो सकता है। जो आपका अनौपचारिक है वो फैमिली से स्टार्ट, क्योंकि शुरू से ही हम एक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मम्मी पापा, हमारे जो भी आसपास के लोग हैं, वो हमें एक अनौपचारिक ढंग से हमें शिक्षित करने का प्रयास शुरू से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। जो औपचारिक साधन है वहाँ पर स्कूल की बात आती है, तो ये एक बच्चे के जो है एक संतुलित विकास के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि एक संतुलित विकास होगा उसके साथ ही साथ उसको उस स्कूल में जाकर कर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे, इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वहाँ जाएगा वो समायोजन करेगा, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को, उसके अंदर जितने भी ज्ञान की जो भूख है या फिर जो ज्ञान की तृष्णा है उसको वो अपने टीचर्स के सामने प्रेजेंट करता है, तो वो टीचर उसको एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ों को बताती है, समझाती है, उसको व्यापक ज्ञान विस्तार होता है उसका, वो जो है चीज़ों को समझता है छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स उन चीज़ों को नहीं समझ पाते या नहीं बता पाते, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, सेकंड जनरेशन लर्नर है, वो डिपेंड करता है। लेकिन स्कूल क्या है, वो सारी चीज़ों को कैटर करके, वो टीचर इसीलिए है कि वो एक व्यापक जो ज्ञान का विस्तार जो है बच्चे के अंदर कर सके। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, कैसे आपको विश करना है, वो सारी चीज़ें जो है एक स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकता है। फिर शेयरिंग और केयरिंग की भावना है, जैसे वो अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वो उनके साथ लंच कर रहा है, ये सारे एडिकेट्स भी आपको स्कूल में जो है देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यूनिफॉर्म पहनना है, एक यूनिफॉर्मिटी की फीलिंग कि हम सब एक हैं, ये सारी भी चीज़ें हमें स्कूल से मिलती हैं। स्कूल मतलब एक स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी के रूप में कहा गया है, तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ से ही हर तरीके के, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, एथिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं वो बच्चा वहीं से चढ़ना शुरू करता है। फिर यहाँ पर आपको जो आपने औपचारिक शिक्षा का साधन जो स्कूल पढ़ा उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर पूर्व आयोजन होते हैं, नियोजन सप्रयत्नशीलता उपायों द्वारा प्रदान की जाती है। ये थोड़ा सा कृत्रिम है, थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इसकी पहले से प्लानिंग भी होनी है, वो बिल्कुल प्रॉपर होगा, डेफिनेट होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक सिस्टमैटिक वे को फॉलो करता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कृत्रिम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है यही हमें प्रमाण पत्र देता है जो हमें आगे काम आते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अनौपचारिक ढंग से हम शिक्षा सिर्फ घर में ग्रहण कर रहे हैं और फिर आगे हम पढ़ाई के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें स्कूल तक जाना ही होगा, तभी हम जो है आगे चल के कहीं और अगर एडमिशन्स वगैरह हैं या फिर हमें एक जो प्रॉपर डिग्री है कि हाँ हमने ये चीज़ पास कर ली है, अब इसके आगे हमको एक आगे स्टेप लेना है, तो वो सारी चीज़ें हमें स्कूल से ही प्राप्त होती हैं। उसके अलावा इसके कुछ दोष भी हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि सैद्धांतिक ज़्यादा है और व्यवहारिकता में इसके थोड़ी कमी है, क्योंकि आप मम्मी के साथ जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कैसे बात करनी है, आपका सब कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिजिडनेस होती है। आपको पता है कि टीचर आपको कभी डांट भी सकता है, क्योंकि वो सही भी है। फिर यहाँ पर क्योंकि एक ये भी इसका दोष दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि सिर्फ आपको औपचारिक तरीके से पढ़कर उसके प्रमाण पत्र ही लेना है। अब हम शिक्षा के अनौपचारिक साधन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो आपकी फैमिली आती है, उसके बाद में कम्युनिटी भी है,
कम्युनिटी के बाद में आपका मीडिया वगैरह भी है जो इसमें ही आएगा। तो सबसे पहले जो अनौपचारिक है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेटनेस नहीं होती उतनी ज़्यादा, यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं फॉलो करना है, मम्मी को आपको पढ़ाना है तो कभी भी वो एक टाइम शेड्यूल नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेंगी। लेकिन जो आप अभी तक जो औपचारिक साधन पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या है, बिल्कुल टाइम का एकदम पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। परिवार आप सभी जानते हैं कि जैसे मकाइवर या फिर और भी इस टाइप के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने परिवार की बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, जहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि जो दो लोग होते हैं वो शादी करके और उसके साथ ही साथ एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे जो है अपने संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो ऐसे ही जो एक पर्टिकुलर जो एक ग्रुप है उसे ही हम फैमिली नाम देते हैं। कि आरंभ से ही बच्चा जो है शिक्षा इसी इनफॉर्मल एजेंसी के थ्रू, यानी अपनी फैमिली या होम के थ्रू ही जो है लेना स्टार्ट करता है, एजुकेशन वो वहीं से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो विशेषताएँ बताई गई हैं, जैसे ये स्वाभाविक होती है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जटिलता नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होता है। फिर उसके साथ ही साथ ये जीवन पर्यंत चलती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि शुरू में भी, मतलब जब वो स्कूल जाने लगता है तब भी ऐसा नहीं है कि उसको अनौपचारिक शिक्षा नहीं मिलेगी, वो जब औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल से जब लेकर के आता है तो घर में फिर से मम्मी उसको पढ़ाती है, तो उस तरीके से एक इनफॉर्मल वे में उसकी जो शिक्षा है वो हमेशा चलती रहती है। फिर इस शिक्षा को देने का प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, समाज व राज्य है। इसमें जो है अपने अनुभव के माध्यम से बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। फिर एक स्वतंत्र वातावरण होता है, यहाँ पर कोई भी उसे डर नहीं होता, वो अपनी चीज़ों को बेबाक से कह देता है, तो इस तरीके से भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा कोई कठोर नियंत्रण नहीं होता, जैसे वहाँ पर है स्कूल में हो सकता है उसको पनिशमेंट दे दी जाए या उसको थोड़ा बहुत डर भी होता है, हिचकिचाहट होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की चीज़ें ये आपको इसकी विशेषताएं के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर भी वही है, क्योंकि माँ जानती है कि उसके बेटे का कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होना है, तो यहाँ पर भी एजुकेशन जो फॉर्मल तरीके से भी, यहाँ पर भी उसको आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ये हर एक आस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू होता है। अब यहाँ पर जो आपके उसके दोष दिखाई पड़ रहे होंगे कि अनौपचारिक शिक्षा के कुछ दोष भी हैं, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ज्ञान अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है गलत धारणाओं का भी विकास हो जाता है बच्चे में। फिर उसके साथ ही साथ यहाँ पर कोई अनुशासन, उतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि जब तक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तब तक बच्चा पढ़ाई फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में नहीं कर पाता, क्योंकि जब शुरुआत के टाइम पे बड़े बच्चे हो जाते हैं तब तो वो समझते हैं चीज़ों को कि हाँ करियर है, ये सब चीज़ें, लेकिन जब छोटा है बच्चा तो वो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बेफिक्र रहता है। जो एनवायरनमेंट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो इस तरीके से एक अनुशासन का ढीलापन और इस तरीके की चीज़ें भी जो इसकी दोष को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर आपने अनौपचारिक शिक्षा में देखा कि उसकी फैमिली, फिर हम कम्युनिटी की जो बात कर रहे थे, तो कम्युनिटी में जैसे शिक्षा संस्थान है उनका विकास, उसके बाद में क्योंकि कम्युनिटी क्या है कि बहुत सारी ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिनको प्रिजर्व भी करती है, फिर आगे उसको जो है उसका हस्तांतरण भी करती है, तो वो सारी चीज़ों को प्रिजर्वेशन भी और उसका हस्तांतरण भी, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चा एजुकेशन के थ्रू ही समझ सकता है कि क्या हम किस कौन सी कल्चरल हेरिटेज को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में सभी को साक्षर बनाना है, फिर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में भी अवेयरनेस होना कि वो डिज़ास्टर्स क्यों आते हैं, फिर उसके साथ ही साथ उसको हम कैसे किन चीज़ों का उपयोग करके हम उन चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि आगे की जनरेशंस भी उस चीज़ का लाभ ले सकें। तो इसलिए भी हमें, आपने देखा होगा कि हमें कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ों को भी समझते हैं। फिर इसी में नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी आता है। तो नैतिक और चारित्रिक विकास में क्या है कि हमें पता होता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते,
ठीक है, नहीं तो आप जो है सोसाइटी हमें उन सब नॉर्म्स के बियॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उन सब चीज़ों को भी, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको भी हमें अपने अंदर समाहित करना होता है। वो हम एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, हमको कौन सी चीज़ें हैं जो बुरी हैं उनसे दूर रहना है, और एक आदर्श व्यक्तित्व जो है उसको अपने अंदर आत्मसात करना है। तो इस तरीके से चीज़ों को भी करने का जो काम है वो आपकी एजुकेशन ही करती है। निरौपचारिक साधन वो होते हैं जहाँ पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अभी एक ओपन यूनिवर्सिटी का रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये एक नॉन फॉर्मल एजेंसी का ही एक उदाहरण है, जहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि हम मीडिया के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमें जो भी वोकेशनल इन्फॉर्मेशन है, रिक्रूटमेंट की इतने सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर रिक्रूटमेंट हो रही है, उस पर्टिकुलर जगह पर रिक्रूटमेंट होती है, हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। फिर उसके साथ ही साथ सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक के थ्रू जो है आप एक दूसरे से, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, यूट्यूब के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज लेक्चर्स सुन सकते हैं, ज्ञान को और भी ज़्यादा वर्धन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई हर समय पढ़ नहीं सकता, उसके पढ़ने के साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की भी ज़रूरत होती है। तो वो उन सब चीज़ों के बेनिफिट्स को भी आप वहाँ से मीडिया के थ्रू भी जो है ले सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही साथ एजुकेशन के लिए भी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर उसके साथ ही साथ आप जो है सोशलाइज्ड हो सकते हैं। तो मीडिया एज अ नॉन फॉर्मल एजेंसी भी बहुत आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने ग्रेजुएशन के या फिर पीजी के कोर्सेज बिल्कुल ऑनलाइन मोड में चलाते हैं। वहाँ पर क्या है, एक मतलब एक फॉर्मल भी तरीका, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं जो तय है, टाइम टेबल आपका पहले से सुनिश्चित है कि इतने टाइम पर आपको ये क्लास मिलेगी, इतने टाइम पर आपको ये क्लास मिलेगी। बस ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें आप होम अपने घर के एनवायरमेंट में ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसका भी एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है कि पर्टिकुलर टीचर आपको आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो ये जो मीडिया है एज अ नॉन फॉर्मल एजेंसी भी वर्क करती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो निरौपचारिक शिक्षा है उसको आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर औपचारिक और जो अनौपचारिक है दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण होता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ डेफिनेट चीज़ें भी हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, डेफिनेटनेस ये है कि जैसे वहाँ टाइम टेबल है, यहाँ पर भी जैसे आप ऑनलाइन मोड में अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ाया जा रहा है, फिर इसके बाद में दूसरे यूनिट को पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न है। लेकिन ये है कि आप घर में बैठ करके सारी चीज़ों को टाइम में, आप खाना बना रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी अलग काम कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक थोड़ी सी ओपननेस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी तनावपूर्ण होता है। तो उस तनावपूर्ण वातावरण को थोड़ा सा ये जो है फ्लैक्सिबल कर देता है बहुत अधिक लोगों को शिक्षित, क्योंकि आजकल जो एक एक्सपोजर है, जो एजुकेशन का मतलब एक्सपोजर है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, इतने सारे भीड़ है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को करने के लिए। तो उसके लिए जो है इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर मीडिया या फिर आप नॉन फॉर्मल एजेंसी के माध्यम से एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को आप जो है केटर कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत एक अच्छा टूल माना जाता है। यहाँ पर क्या है, खर्चा भी कम होता है, उसके साथ ही साथ मापन एवं मूल्यांकन भी बच्चों का किया जा सकता है। जो इसका पाठ्यक्रम है वो निश्चित है, और उसके साथ ही साथ छात्र जो है वो अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक भी है कि उसको कौन सा यूनिट आप कब पढ़ाएंगे और उसको कैसे उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो अवेयर है, वो बड़ा बच्चा है, वो समझता है कि आगे मुझे क्या करना है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो इसलिए वो पूरी तरीके से जागरूक है, वो उद्देश्यों को जानता है, ऑब्जेक्टिव्स जानता है, तो वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत तेज़ी से अग्रसर रहता है। फिर उसके बाद में ये तो बट ऑब्वियस है कि इसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है इस पाठ्यक्रम में, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी कहीं जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो बाद में भी जो है जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बाद में भी सुन सकता है।
फिर उसके बाद में एक डेफिनेट टाइम पर आकर का अपना इवैल्यूएशन करवा सकता है। तो इस तरीके से भी मतलब जो दूर रह रहे हैं उनको भी बेनिफिट है, और उसके साथ ही साथ जो किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको भी। फिर इसके कुछ दोष भी हैं, तो यहाँ पर जो है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेरीज है बच्चे के मन में, बच्चे ने SLM लिया, उसको पढ़ा और उसके अंदर कुछ क्वेरीज आई, तो वो तुरंत उन चीज़ों जो है उस क्वेरी का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर काउंसलिंग क्लासेस होती है, तभी वो आकर के पूछ सकता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। कभी कभी कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज हो, तो वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो भी एक सेकेंडरी ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद में क्योंकि वो बच्चा अकेले बैठ कर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो अपने घर में है, स्वतंत्र है और ख़ुद से बैठकर पढ़ाई कर, तो जो एक सामूहिक जो कोऑपरेटिवनेस की जो फीलिंग आती है वो जो इमोशन है वो उसके अंदर नहीं डेवलप हो पाता। जैसा हम फॉर्मल तरीके में देख रहे थे कि स्कूल्स में जो है एक जो इमोशनल बॉन्डिंग बनती है टीचर लर्नर्स के बीच में, वो नहीं बन पाती। उसके जो है स्कोप और उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ें। उसके अब जो है आगे शिक्षार्थियों, आपसे ये अनुरोध है मेरा कि आप के जो भी क्वेरीज़ हैं आप चैट बॉक्स के माध्यम से या फिर जो है फेस टू फेस यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर के अपने डाउट्स को जो है का समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद।